हेलो ऑल, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 5G प्रोटोकॉल स्टैक की कि 5G प्रोटोकॉल स्टैक में और LTE के प्रोटोकॉल स्टैक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो अगर आपको LTE प्रोटोकॉल स्टैक के बारे में वीडियो देखना है तो आप मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पर। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं 5G प्रोटोकॉल स्टैक। 5G प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर अगर आप देखें कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन सेम जैसे कि LTE में होता है, 3G में होता है, कंट्रोल प्लेन का अलग होता है, यूज़र प्लेन का अलग होता है। अब इसमें अगर आप देखें जैसे UE LTE में भी UE होता है, LTE में E नोड भी होता है, यहाँ पे G नोड भी है, LTE में MME होता है, यहाँ पे AMF है। MME को 5G के अंदर हम AMF बोल रहे हैं। तो AMF की फुल फॉर्म क्या है? एक्सेस एंड मोबिलिटी मैनेजमेंट फंक्शन। तो ये हमारा AMF है। तो इसके अंदर अगर आप देखें जो 5G का कंट्रोल प्लेन का प्रोटोकॉल स्टैक है वो बिल्कुल सिमिलर है LTE के प्रोटोकॉल स्टैक से। सेम फिजिकल मैक, RLC, PDCP, RRC, NAS लेयर है, जी नोड भी जो कि वहाँ पे ई नोड भी होता था उसमें फिजिकल मैक, RLC, PDCP, RRC सेम वही है। और AMF जो कि NAS जैसे वहाँ पे MME के अंदर NAS होता था, यहाँ पे AMF के अंदर NAS है, तो सेम है बिल्कुल। यूज़र प्लेन प्रोटोकॉल स्टैक अगर आप देखें तो इसके अंदर सिर्फ एक चेंज हुआ है जो 5G में हुआ है, SDAP एक लेयर इंट्रोड्यूस हुई है। पहले फिजिकल मैक, RLC, PDCP होता था यूज़र प्लेन के अंदर, अब एक SDAP लेयर भी इन्होंने डाल दी है इसके अंदर। तो SDAP की फुल फॉर्म है सर्विस डेटा अडेप्टेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये इन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा। तो SDAP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर QoS फ्लो हैंडलिंग अक्रॉस द 5G एयर इंटरफेस। तो जो भी QoS का फ्लो इन्होंने कुछ नया इंट्रोड्यूस किया है, फ्लो जो LTE में होता था उससे कुछ यहाँ पे इन्होंने चेंजेस किए हैं, उसके लिए इन्होंने SDAP को यूज़ किया है। SDAP विल मैप ए स्पेसिफिक QoS फ्लो विद इन ए PDU सेशन टू ए कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा रेडियो बेयरर। जो QoS का फ्लो होगा उसको ये DRB से ये मैप करेगा SDAP, जैसे हमारे इसमें SRB DRBs होते हैं, LTE में भी SRB DRBs होते थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि जो QoS होगी उसको ये DRB से मैप करेगा। तो ये हमारा SDAP इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इस वीडियो में आज हमने देखा कि 5G का प्रोटोकॉल स्टैक कंट्रोल प्लेन और यूज़र प्लेन में क्या डिफरेंस है LTE के प्रोटोकॉल स्टैक से और कौन सी नई लेयर इंट्रोड्यूस हुई है। इसी तरह के वीडियो को अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको सारे वीडियो ऐसे मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम टू दिस वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा LTE से हटके है। आज हम 5G NR चैनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने ये तीन पार्ट की सीरीज रखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसके अंदर तीन चैनल्स होते हैं, लॉजिकल, ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल। तो हर पार्ट में हम अलग अलग चैनल को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको LTE के चैनल आते हैं तो आपको 5G के चैनल समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी, दोनों काफी सिमिलर हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक LTE द टर्मिनोलॉजी ऑफ लॉजिकल चैनल्स, ट्रांसपोर्ट चैनल्स एंड फिजिकल चैनल्स सेम इज यूज्ड इन 5G एज वेल। दोनों की जो नेमिंग है वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे लॉजिकल चैनल। अब देखिए, जो लॉजिकल चैनल है 5G NR के वो दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं, कंट्रोल चैनल एंड ट्रैफिक चैनल। कंट्रोल मतलब जिस पे सिग्नलिंग जाती है, ट्रैफिक मतलब जिस पे उसके बाद आप डेटा भेज सकते हैं, सेम लाइक LTE। LTE में भी ऐसे ही होता था, 5G में भी वैसा ही होता है, बिल्कुल सेम है। देखिए, पांच चैनल हैं 5G के जो लॉजिकल चैनल में आते हैं, BCCH, PCCH, CCCH, DCCH, DTCH। ये पांच इंपॉर्टेंट चैनल हैं, इसके अलावा लॉजिकल चैनल कोई नहीं होता 5G के अंदर। अब देखिए, BCCH है ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, पेजिंग कंट्रोल चैनल PCCH, कॉमन कंट्रोल चैनल CCCH, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल DCCH एंड डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल DTCH। तो ये हमारे पांच चैनल्स हैं जो कि लॉजिकल चैनल में आते हैं। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर होता क्या क्या है। अब देखिए, सबसे पहले है BCCH, ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल। दिस इज ए डाउनलिंक चैनल।
जो ब्रॉडकास्ट होता है ये हमेशा नेटवर्क करता है, इसीलिए ये डाउनलिंक चैनल है। यूज्ड फॉर द ब्रॉडकास्ट ऑफ सिस्टम इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, नेटवर्क को बहुत सारी सिस्टम इन्फॉर्मेशन भेजनी होती है सेप्स में, बहुत सारी उसके अंदर सेल सिलेक्शन, हैंड ओवर पैरामीटर्स कैंपिंग के लिए, या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती है, तो उसको ब्रॉडकास्ट करता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आप ई नोड भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जी नोड भी बोल सकते हैं 5G के अंदर। तो ये हमें ब्रॉडकास्ट करता है विद द हेल्प ऑफ PCCH चैनल। अब है PCCH चैनल, पेजिंग कंट्रोल चैनल। दिस इज ए डाउनलिंक चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ पेजिंग इन्फॉर्मेशन टू द डिवाइस। अब देखिए, जब भी नेटवर्क को फाइंड आउट करना होता है किसी डिवाइस को, तो वो पेजिंग भेजता है, तो उसके लिए ये चैनल यूज होता है PCCH। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसफर ऑफ सिस्टम इन्फॉर्मेशन चेंज नोटिफिकेशन। अगर कोई सिस्टम इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होते हैं तो आप वो PCCH पे भेजेंगे। एन इंडिकेशन ऑफ ऑनगोइंग PWS पब्लिक वार्निंग सिस्टम ब्रॉडकास्ट। अब किसी ऑपरेटर को सपोज कुछ ऐसा हो जाता है कि उसको कुछ वार्निंग्स आपके डिवाइस पे भेजनी है, तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस चैनल वो आपको ब्रॉडकास्ट कर सकता है। उसके बाद हमारा चैनल आता है CCCH, कॉमन कंट्रोल चैनल। दिस इज यूज्ड बाय डिवाइस टू एस्टैब्लिश और री एस्टैब्लिश एन RRC कनेक्शन। अब देखिए, LTE में RRC कनेक्शन के मतलब ये होता है कि आपको रिसोर्स चाहिए नेटवर्क से, तो आप उसको आइडल से कनेक्टेड मोड में जाते हैं, अपने डिवाइस को लेके जाते हैं, तो RRC कनेक्शन यूज होता है। अब देखिए, जो ये चैनल होता है इसके अंदर SRB0 यूज होता है, जो सिग्नलिंग रेडियो बेयर होता है 0, वो यूज होता है CCCH चैनल के अंदर, कॉमन कंट्रोल चैनल के अंदर। इसी के हेल्प से आप RRC कनेक्शन बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो चैनल आता है वो आता है DCCH, डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल। अब इसके अंदर क्या होता है, दिस इज ए टू वे चैनल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन व्हेन द डिवाइस हैज एन RRC कनेक्शन। आपके पास RRC कनेक्शन बन चुका है, जो ये कॉमन कंट्रोल चैनल है इसके थ्रू आप RRC कनेक्शन बना देते हैं SRB0 की हेल्प से। उसके बाद जब ये आपके पास बन जाता है, तो उसके बाद आप दूसरी SRBs क्रिएट करते हैं। अब देखिए, आपने LTE में देखा होगा 3 SRB, आपने सुना होगा SRB 0, 1 एंड 2। 5G के अंदर एक और SRB इंट्रोड्यूस करी गई है, SRB 3, तो वो डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल में यूज की जाती है। DCCH। अब देखिए, जो SRB 1 है वो खाली यूज की जाती है आपको RRC मैसेजेस को भेजने के लिए। जो SRB 2 है वो खाली आपको यूज की जाती है NAS मैसेजेस को भेजने के लिए, और उसकी प्रायोरिटी SRB 1 से कम होती है। और जो SRB 3 है वो नई SRB इंट्रोड्यूस की गई है, दिस इज फ्रॉम सेकेंडरी RAN नॉट एंड कैन बी यूज टू कॉन्फिगर मेजरमेंट्स। अब इसके अंदर कुछ और नई चीज ऐड हो गई है 5G के अंदर, कि आप मेजरमेंट्स को ऐड कर सकते हो, MAC, RLC, PDCP एंड फिजिकल लेयर पैरामीटर एज वेल एज रेडियो लिंक फेलियर पैरामीटर्स। ये 5G में ही ऐड हुआ है, ये LTE में ये वाली SRB 3 थी नहीं, बस SRB 0, 1, 2 होता था, 3 SRBs होती थी RRC के अंदर, तो उसी से काम हो जाता था। लेकिन इन्होंने SRB 3 इंट्रोड्यूस कर दी है कि मेजरमेंट्स और फिजिक जो हमारी जो लेयर्स है, MAC, RLC, PDCP उसके पैरामीटर्स और रेडियो लिंक फेलियर्स के पैरामीटर इसमें ऐड कर दिए इन्होंने। उसके बाद हमारा ये लास्ट चैनल है, 5th चैनल, जो कि है DTCH, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल। इसके ऊपर डेटा आप अपलिंक और डाउनलिंक में भेज सकते हैं। दिस इज ए पॉइंट टू पॉइंट चैनल दैट मे एग्जिस्ट इन द अपलिंक और डाउनलिंक। इट इज ए पार्ट ऑफ DRB, डेटा रेडियो बेयर असाइन टू ए डिवाइस। अब देखिए, आपने SRB से आपने सुना होगा कि सिग्नलिंग के लिए यूज होता है, DRBs होते हैं डेटा रेडियो बेयर, जिसके ऊपर आप ट्रैफिक भेजते हैं, डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल DTCH। अब देखिए, जो DRBs होती है इसकी नंबर होती है 1 to 32, ये हो सकती हैं, आप एक साथ बहुत सारी DRBs बना सकते हैं और उस पर डेटा भेज सकते हैं। तो ये UE और जो हमारा eNodeB या NGeNodeB, ENG NodeB, G NodeB, ये कुछ नई नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई हैं 5G के अंदर। आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सबके बारे में बताया हुआ है।
तो ये पांच चैनल होते हैं लॉजिकल चैनल के अंदर। तो इस वीडियो में हमने ये पांच चैनल डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपके मोबाइल पे और आपके जीमेल पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। स्वागत है, आज का जो टॉपिक है वो है चैनल्स के ऊपर, 5G NR चैनल्स पार्ट 2। इसका पार्ट 1 भी मैं थोड़े दिन पहले मैंने बनाया था, आप पहले उसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद आप पार्ट 2 को देखना। अब इसके अंदर जैसे LTE में होते थे हमारे तीन चैनल, लॉजिकल चैनल, ट्रांसपोर्ट चैनल, फिजिकल चैनल, सेम तरह से ही 5G के अंदर भी ये तीन तरह के चैनल होते हैं और जिनके अंदर सब चैनल्स होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने लॉजिकल चैनल डिस्कस किए थे, तो आप वहां पे सारे चैनल के बारे में देख सकते हैं। आज मैं पार्ट 2 में करूंगा ट्रांसपोर्ट चैनल, फिर पार्ट 3 इसका आएगा जिसके अंदर मैं फिजिकल चैनल डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जो ट्रांसपोर्ट चैनल है 5G के अंदर, ये पांच चैनल है जो कि ट्रांसपोर्ट चैनल के अंदर आते हैं। BCH ब्रॉडकास्ट चैनल, DLSCH डाउनलिंक शेयर चैनल, PCH पेजिंग चैनल, ULSCH अपलिंक शेयर चैनल, RACH रैंडम एक्सेस चैनल। तो ये पांच चैनल 5G के अंदर यूज होते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इन चैनलों के ऊपर कौन कौन सा डेटा जाता है। अब देखिए जो BCH है वो ब्रॉडकास्ट चैनल, दिस इज ए ब्रॉडकास्ट चैनल विच इज पार्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल ब्लॉक। अब इसके अंदर एक SS ब्लॉक करके एक नया इन्होंने 5G में इंट्रोड्यूस किया है, उसको भी हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इट इंक्लूड्स द MIB मास्टर इंफॉर्मेशन ब्लॉक, BCH के अंदर आती है 5G के अंदर। अब है DLSCH डाउनलिंक शेयर चैनल, दिस चैनल सपोर्ट डायनेमिक स्केड्यूलिंग एंड डायनेमिक लिंक अडेप्टेशन बाय वेरिंग द एंटीना मैपिंग मॉड्यूलेशन कोडिंग रिसोर्स एंड पावर एलोकेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कि आप देख रहे हो ये क्या क्या सपोर्ट करता है। मॉड्यूलेशन भी इससे आप कर सकते, इसके थ्रू करते हैं कोडिंग एंड रिसोर्स पावर एलोकेशन। इन एडिशन इट सपोर्ट्स हार्क ऑपरेशन टू इंप्रूव परफॉर्मेंस, हाइब्रिड ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट भी 5G के अंदर DLSCH चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। PCH पेजिंग चैनल, दिस चैनल यूज टू कैरी PCCH, इट यूटिलाइजेस DRX टू इंप्रूव द डिवाइस बैटरी लाइफ। तो ये डिवाइस बैटरी लाइफ के लिए ये चैनल आप यूज करते हैं। डिसकंटिन्यूअस रिसेप्शन, अपलिंक शेयर चैनल, दिस इज सिमिलर टू DLSCH डाउनलिंक शेयर चैनल, वो डाउनलिंक में होता है, ये अपलिंक में यूज होता है। सपोर्ट डायनेमिक स्केड्यूलिंग, डायनेमिक लिंक अडेप्टेशन बाय वेरिंग द एंटीना मैपिंग मॉड्यूलेशन, सेम लाइक डाउनलिंक शेयर चैनल। इन एडिशन इट सपोर्ट HARQ, दिस ऑल्सो सपोर्ट DTX फॉर डिवाइस पावर सेविंग मोड। तो ये हो गया अपलिंक शेयर चैनल, सेम इसका डाउनलिंक शेयर चैनल जो कि ट्रांसपोर्ट चैनल के अंदर आते हैं। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए कौन कौन से चैनल 5G के ट्रांसपोर्ट चैनल में आते हैं, उनका क्या क्या यूज है। अब देखिए RACH रैंडम एक्सेस चैनल, दिस चैनल कैरीज लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज इन कंजंक्शन विद फिजिकल चैनल जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड प्रीएम्बल्स टू प्रोवाइड कंटेंशन रेजोल्यूशन प्रोसीजर्स। जो RACH हम करते हैं उसके लिए इस चैनल का यूज है। द RACH चैनल इज ऑल्सो डिफाइंड एज ए ट्रांसपोर्ट चैनल, है ये ट्रांसपोर्ट चैनल का पार्टी, ऑल्दो इट डज नॉट कैरी ट्रांसपोर्ट ब्लॉक, ये ट्रांसपोर्ट ब्लॉक नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट चैनल का ही पार्ट है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट, एक मिनट के लिए जरा इसको मैं हटा देता हूं। जो रैंडम एक्सेस चैनल है वो पार्ट ट्रांसपोर्ट चैनल का ही है, बट वो कोई ट्रांसपोर्ट ब्लॉक को कैरी नहीं करता है। अब हम देखते हैं मैपिंग। अब देखिए लॉजिकल और ट्रांसपोर्ट चैनल की मैपिंग, अब यहां पे लेफ्ट साइड में अपलिंक लॉजिकल चैनल है, राइट साइड में डाउनलिंक लॉजिकल चैनल है। तो आप ये सारे पिछला पार्ट वन जब आप देखोगे तो उसके अंदर अपलिंक लॉजिकल चैनल मैंने एक्सप्लेन किए हैं, डाउनलिंक लॉजिकल चैनल एक्सप्लेन किए, फिर यहाँ पे अपलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल, डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल। जब अपलिंक में है तो यहाँ पे CCCH DCCH DTCH ये हमारे अपलिंक लॉजिकल चैनल है, PCCH BCCH CCCH DCCH DTCH ये डाउनलिंक लॉजिकल चैनल है। RACH आप देखिए अभी हमने, ये RACH जो है ट्रांसपोर्ट चैनल है, अपलिंक शेयर चैनल, PCH BCH ब्रॉडकास्ट चैनल एंड डाउनलिंक SCH, ये पांच चैनल हमारे जो हैं ये ट्रांसपोर्ट चैनल है, दो इसमें अपलिंक है और तीन हमारे ये हैं डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट चैनल।
तो इस तरह से ये मैपिंग है लॉजिकल टू ट्रांसपोर्ट की 5G के अंदर। तो ये आज वाले पार्ट में हमने ट्रांसपोर्ट चैनल डिस्कस करे, लास्ट पार्ट वन में लॉजिकल आप उसको देख सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फिजिकल चैनल एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और नए नए 5G के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये मेरा 5G चैनल्स का थर्ड वीडियो है और ये आखिरी वीडियो है जिसके अंदर मैंने तीनों चैनल्स एक्सप्लेन कर दिया। पार्ट वन में लॉजिकल चैनल थे, पार्ट टू में ट्रांसपोर्ट चैनल एक्सप्लेन किया, और पार्ट थ्री में आज मैं फिजिकल चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो फिजिकल चैनल है उसके अंदर 6 चैनल है। PBCH फिजिकल ब्रॉडकास्ट चैनल, PDSCH फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल, PDCCH फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल, PRACH फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल, PUSCH फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल, PUCCH फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल। अब देखिए, आप इन चैनल्स को अच्छे से, इनकी कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछता है तो आपको एटलीस्ट इन सबकी फुल फॉर्म तो पता ही होनी चाहिए, और कौन सा चैनल किससे मैप होता है, चैनल मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, और फिर इसका डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए कि ये चैनल किस लिए यूज होता है। बस इतना ही अगर आपको पता है तो आपको सारी मैपिंग समझ आ जाएगी कि कहाँ से कहाँ सब पैकेट आता है और किसके अंदर क्या जाता है प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर। तो ये है हमारा फिजिकल चैनल जिसके अंदर 6 चैनल आते हैं। एक मैंने जस्ट ब्रेकअप दे दिया, लॉजिकल चैनल 5 होते हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल 5 होते हैं, और फिजिकल चैनल 6 होते हैं। ये 5G के अंदर है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉजिकल चैनल 5 हैं, ट्रांसपोर्ट चैनल भी 5 है, और फिजिकल चैनल भी 6 हैं। तो ये आप, इससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा, याद करने में आसानी होगी कि भाई 5 लॉजिकल चैनल होते हैं, 5 ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं और 6 फिजिकल चैनल होते हैं। सबके नाम आपको पता होने चाहिए, सबकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और सबके बारे में डिस्क्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं कि कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, खाली फुल फॉर्म पता है। थोड़ा बहुत आपको बेसिक बेसिक सबका पता होना चाहिए जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं। अब है PDSCH फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल, इज द मेन फिजिकल चैनल यूज फॉर यूनिकास्ट डेटा ट्रांसमिशन, बट ऑल्सो फॉर ट्रांसमिशन ऑफ फॉर एग्जाम्पल पेजिंग इन्फॉर्मेशन, रेंडम एक्सेस रिस्पॉन्स, डिलीवरी ऑफ पार्ट्स ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है PDSCH, PDSCH फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल। PBCH ब्रॉडकास्ट के लिए ऊपर होता है, जो भी ऊपर से ब्रॉडकास्ट आ रहा है लॉजिकल चैनल से ट्रांसपोर्ट पे आया, ट्रांसपोर्ट से फिजिकल पे आया, तो वो ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन PBCH के थ्रू आपको मिलती है। कैरीज द पार्ट ऑफ सिस्टम इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द डिवाइस टू एक्सेस द नेटवर्क। फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल इज यूज फॉर डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये डाउनलिंक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, मेनली स्केड्यूलिंग डिसीजंस रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ PDSCH एंड फॉर स्केड्यूलिंग ग्रांट्स एनेबलिंग ट्रांसमिशन ऑन द PUSCH। तो PDCCH और PDSCH फिजिकल चैनल के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। इसके डिस्क्रिप्शन में आगे हम और भी वीडियोज बनाएंगे डिटेल में कि इनके अंदर क्या क्या होता है, हर एक चैनल के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो PBCH ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, जो भी सिस्टम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट होती है वो PBCH के थ्रू होती है। PDCCH फिजिकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल, PDSCH फिजिकल डाउनलिंक शेयर चैनल। तो सबको आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन से चैनल का क्या काम है। अब है PUSCH फिजिकल अपलिंक शेयर चैनल, PDSCH होता है डाउनलिंक के लिए और PUSCH होता है अपलिंक के लिए। जब भी आप यूई कुछ भेज रहे हैं नेटवर्क को तो PUSCH पे जाएगा, डाउनलिंक में आ रहा है नेटवर्क साइड से तो PDSCH पे जाएगा। PUSCH इज द अपलिंक काउंटर पार्ट ऑफ PDSCH, देर इज एट मोस्ट 1 PUSCH पर अपलिंक कंपोनेंट कैरियर पर डिवाइस। जब भी कोई डिवाइस एक भेजता है अपलिंक में डेटा, पर अपलिंक कंपोनेंट कैरियर पर डिवाइस, पर डिवाइस का एक आपको PUSCH होता है। फिजिकल अपलिंक कंट्रोल चैनल इज यूज्ड बाय द डिवाइस टू सेंड हाइब्रिड ARQ एक्नॉलेजमेंट, HARQ के लिए, इंडिकेटिंग टू द G-Node B वेदर द डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड और नॉट। जो पैकेट है वो डाउनलिंक, वेदर द डाउनलिंक ट्रांसपोर्ट ब्लॉक वाज सक्सेसफुली रिसीव्ड और नॉट, रिसीव हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में आपको बताता है। टू सेंड चैनल स्टेट रिपोर्ट एडिंग डाउनलिंक चैनल डिपेंडेंस शेड्यूलिंग एंड फॉर रिक्वेस्टिंग रिसोर्सेज टू ट्रांसमिट अपलिंक डेटा अपॉन। तो यहाँ पे अब G-Node B आ गया है, E-Node B की जगह G-Node B।
फिजिकल रैंडम एक्सेस चैनल इज यूज्ड फॉर रैंडम एक्सेस, जो भी हम रैंडम एक्सेस प्रोसीजर होता है उसके लिए पीरएच हम चैनल यूज करते हैं फिजिकल चैनल पे। तो ये हमारे 6 फिजिकल चैनल हो गए। तो हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ट्रांसपोर्ट, लॉजिकल ट्रांसपोर्ट एंड फिजिकल चैनल तीनों हमने कवर कर लिए हैं। उनके क्या क्या, कितने चैनल होते हैं, क्या क्या उनका नाम है, क्या क्या उनकी फुल फॉर्म है और क्या क्या उनका रोल है, ये हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन 5G NR चैनल्स जो होते हैं तीन तरह के, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।